नमस्कार, आज हम अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के छठे अध्याय अंशवरूप विज्ञानी के ऊपर कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इससे पिछले वाले अध्याय में हमने द्रव आहार का वर्णन किया था और इस अध्याय में आहार के रूप में सेवन किए जाने वाले द्रव्यों का वर्णन किया जाएगा। इससे पहले वाले अध्याय में 5 वर्गों का और इस अध्याय में 7 वर्गों का उल्लेख किया जाएगा। प्रथम वर्ग शुक धान्य से संबंधित है। शुक धान्य और शिम्बी धान्य में क्या अंतर है? वे धान्य जिनमें शुक लगा हो, अर्थात जिसमें कांटे जैसा स्वरूप हो, उसे शुक धान्य व जो फलियों में उत्पन्न हो उसे शिम्बी धान्य कहते हैं। जो शुक धान्य हेमंत ऋतु में पकते हैं और बिना कूटे ही स्वच्छ हो जाते हैं उन्हें शाली धान्य कहते हैं। रक्तशाली आदि शुक धान्य के क्या गुण हैं? रक्तशाली आदि शुक धान्य रस एवं विपाक में मधुर, स्निग्ध और वृष्य होते हैं। वे मल को बांधते हैं और उसकी मात्रा को कम करते हैं। इनका अनुरस कषाय होता है। ये पथ्य मूत्रल, लघु व शीतल होते हैं। षष्टिक व्रीहि धान्य के क्या गुण हैं? जो व्रीहि धान्य वर्षा ऋतु में 60 दिन में उत्पन्न होते हैं उसे षष्टिक अथवा साठी धान्य कहा जाता है। ये स्निग्ध, ग्राही, लघु व मधुर रस वाले होते हैं। त्रिदोषामक और शीतवीर्य होते हैं। महाव्रीहि आदि से अन्य व्रीहि के क्या गुण हैं? महाव्रीहि आदि से अन्य व्रीहि रस में मधुर, विपाक में अम्ल, पित्तकारक व गुरु होते हैं। मूत्र और मल को बहुत मात्रा में लाने वाले तथा उष्ण वीर्य होते हैं। पाटल तीनों दोषों को बढ़ाता है। यव के क्या गुण हैं? जौ, रूक्ष, शीत, गुरु रस में मधुर, सर, वृष्या शरीर में स्थिरता लाने वाला, अपान वायु कारक व पुरीष की वृद्धि करने वाला होता है। ये कफ, पित्त, मूत्र, मेद विकार, पीनस, श्वास, कास, उरुस्तम, कंठ रोग व त्वक रोगों को नष्ट करता है। गोधूम के क्या गुण हैं? गोधूम अर्थात गेहूं वृष्य, शीत, गुरु, स्निग्ध, जीवनीय, वातपित्त शामक, संधानकारी, रस में मधुर व शरीर में स्थिरता करने वाला और सर होता है। मूंग, अरहर, मसूर आदि शिम्बी धान्य के क्या गुण हैं? मूंग, अरहर, मसूर आदि ये शिम्बी धान्य है। ये वायु का अवरोध करने वाले, कषाय, मधुर, संग्राही, विपाक में कटु, शीतवीर्य, लघु और मेद, कफ, रक्त और पित्त में पथ्य एवं प्रदेह और परिषेक में उपयोगी है। प्रदेह अर्थात एक तरह का उपटन होता है, थिक लेप होता है। इनमें इनका पाउडर बनाकर तेल के साथ स्किन के ऊपर लगाया जाता है और परिषेक में इनको ऊपर से स्प्रिंकल किया जाता है। सभी प्रकार के शिम्बी धान्य में से श्रेष्ठ और अवर कौन से धान्य है? सभी प्रकार के शिम्बी धान्य में से मूंग की दाल श्रेष्ठ और माश सबसे अवर है। राजमाश और कलाई के क्या गुण है? राजमाश वायुकारक, रूक्ष व गुरु होता है और इसका सेवन मल की मात्रा बढ़ाता है। कलाए अर्थात मटर अतिशय वायु कारक है। कुलथ के क्या गुण है? कुलथ की दाल उष्ण, विपाक में अम्ल, शुक्र, अश्मरी, श्वास, पीनस, कास, अर्श और कफ जन्य रोगों को नष्ट करने वाला तथा अतिशय रक्त पित्त कारक है। निष्पाव के गुण बताएं। निष्पाव अर्थात सेम वात, पित्त, रक्त, स्तन्या और मूत्र को बढ़ाने वाला, गुरु मृदुरेचक और विदाही है तथा दृष्टि, शुक्र, कफ, शोफ और विषनाशक है। माश के क्या गुण हैं? माश अर्थात उड़द की दाल स्निग्ध, बल, कफ, मल और पित्तकारक, मृदुरेचक, गुरु व उष्ण है तथा वातनाशक, स्वादु एवं शुक्र की
वृद्धि करने वाले। धन्यवाद।